उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज यानी PCS-J में आगरा की मेधावियों ने भी सफलता अर्जित की है, जिसमें लॉयंस कॉलोनी निवासी शुभांगी गुप्ता ने 94 रैंक प्राप्त की है। शुभांगी गुप्ता ने तीसरे प्रयास में सफलता अर्जित की। वहीं शुभांगी गुप्ता ने शोफिया गर्ल्स स्कूल, मेरठ से हाई स्कूल और मेरठ पब्लिक गर्ल्स स्कूल से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। वर्ष 2010 में क्लैट उत्तीर्ण होने के बाद राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला से BA LLB ऑनर्स किया। यहाँ की वो गोल्ड मेडलिस्ट भी रही। वहीं शुभांगी गुप्ता का कहना है कि PCS-J 3-4 वर्ष की तपस्या है, इसमें सफलता को धैर्य से देखना और समझना चाहिए। विफलता पर बीच में ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यदि निरंतर जुटकर तैयारी की जाए तो सफलता तय। कितने भी फेलियर क्यों ना हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किसी एक सेक्शन की स्टडी करते समय सफलता नहीं पाई जा सकती, सभी सेक्शन पर फोकस करना होगा। जितना महत्वपूर्ण लॉ है उतना ही जनरल नॉलेज भी। 2010 में क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का एग्ज़ाम दिया था, विच इज़ एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर लॉ स्टूडेंट्स। मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला मिल गई। 2010 में मैंने ज्वाइन कर लिया। 2015 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ वहाँ से कम्प्लीट। आफ्टर दैट मैंने राहुल IAS कोचिंग है जुडिशियल सर्विसेज़ के लिए मुखर्जी नगर में दिल्ली, तो उसको ज्वाइन किया। 1 ईयर कोचिंग लिया मैंने। उसके बाद 3 ईयर्स से अभी मैं घर पे ही थी और लगातार अपनी सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रही थी और साथ साथ मैं एग्ज़ाम्स भी दे रही थी। UP MP बाकी स्टेट्स एग्ज़ाम्स भी मैं दे रही थी लगातार।